हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैट्रिमोनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, फाइनली जवान मूवी का फर्स्ट सॉन्ग जिंदा बंदा, जी हाँ दोस्तों, रिलीज हो गई है। दोस्तों, इस पे क्यार के चीचा का रिव्यू भी आ गया है, तो हम पहले सॉन्ग की बातें करेंगे, बाद में हम क्यार के चीचा की जो रिव्यू आया उसके बारे में बातें करेंगे। देखो जब दोस्तों, मैं सच बोलूँ ना यार, होनेस्ट बोलूँगा, जवान का सॉन्ग मैंने जो अपने रिव्यू में बोला था मैंने आपको कि ये सॉन्ग बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, और ये सच है दोस्तों, क्योंकि यार इसकी जो लिरिक्स लिखा गया है ना, पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है और सर के ऊपर से चला जा रहा है कि आखिर गा क्या रहा है, इसके बोल क्या है, इसके बोले तो यार सुर क्या है, ये समझ में नहीं आ रही ऑडियंस को। अगर हम म्यूजिक की बात करें दोस्तों, तो अनिरुद्ध का म्यूजिक फाड़ दिया। अगर हम कोरियोग्राफर की बात करें तो जिस तरीके से कोरियोग्राफर किया गया दोस्तों, जिस तरीके से जो स्केल पे इस सॉन्ग को शूट किया गया ना भाई, ज़बरदस्त। 15 करोड़ खर्च हुआ है ये सॉन्ग को शूट करने में, और दिख भी रहा है शाहरुख खान के पीछे जैसे भी बैकग्राउंड में लड़कियां नाच रही है ना, लग रहा है कि हाँ कोई बंदा का स्वागत कर रही है बंदी लोग। फिर उसके बाद जो प्लेट का थाली होता है ना, वो बजा के लोग डांस कर रहे हैं, यार ज़बरदस्त है। लेकिन लिरिक्स में मार खाई है यह सॉन्ग। देखो यार, एक सॉन्ग होता है जो कि जवान में बैठ जाता है। देखो शाहरुख खान की मूवी पठान का सॉन्ग, जो कि कितनी ट्रोलिंग हुई थी भाई, जी हाँ दोस्तों, बेशरम रंग, अरे यार हर इंसान के जुबान में बैठ गया था वो। उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग आया था दोस्तों झूमे जो पठान, यार लोग झूम रहे थे भाई, उस पर रील्स बन रहे थे। लेकिन दोस्तों जी हाँ, ये जो सॉन्ग आया ना जवान का फर्स्ट सॉन्ग, लिख के ले लो ना यार, इस पर रील्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो दम है ही नहीं सॉन्ग में। सच्ची बोल रहा हूँ यार, वो दम सॉन्ग में है ही नहीं। बाकी शाहरुख खान का जो दिख रहा है इसमें, स्मार्ट दिख रहे हैं, उसके बाद जितने भी वो डांस स्टेप किए हैं ज़बरदस्त दिख रहे हैं, फाड़ दिया। लेकिन अब क्यार के चीचा पे आते हैं हम। क्यार के चीचा बोल रहे हैं वाहियात सॉन्ग। देखो दोस्तों, क्यार के चीचा सभी को पता है, पठान का टाइम भी उन्होंने जम के ट्रोलिंग किया था, लेकिन बाद में वो जो बोलते ना डबल फेस, वो दिख गया था क्यार के अंकल में। जब देखा क्यार के चीचा ने कि यार पठान को ऑडियंस प्यार दे रही है, तो यार अपना थोड़ा सा बदल जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, तो क्यार के चीचा चेंज हो गए, बोले यार अब पठान की हम गुन गाते हैं। तो उन्होंने पठान ब्लॉकबस्टर, पठान सुपरहिट, पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। इस टाइम भी वो वैसे ही करने वाले हैं। देखो दोस्तों, गाना जैसा भी हो, ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है, कुछ ऑडियंस को अच्छी लग रही है, लेकिन मूवी फाड़ने वाली है बॉक्स ऑफिस, पब्लिक को पसंद आने वाली है। और उस टाइम क्यार के चीचा का डबल फेस दिखने वाला है सभी को। देखो क्यार के चीचा का अंदर एक चीज़ क्या बुराई है पता है? क्यार के चीचा के अंदर एक चीज़ ये बुराई है ना दोस्तों, कि क्यार के चीचा बदलते बहुत जल्दी हैं यार। मतलब कि यार क्या बताऊँ मैं, इतनी जल्दी वो चेंज होता है ना, उतना जल्दी तो कुछ चीज़ चेंज में टाइम भी चेंज नहीं होता जितना जल्दी वो चेंज हो जाते हैं यार। खैर जो भी हो दोस्तों, पठान का फर्स्ट सॉन्ग, सॉरी जवान का फर्स्ट सॉन्ग, जो एक्सपेक्टेशन था हमें ऑडियंस को, खासकर एसआर के फैंस को, खरा नहीं उतरा। सच बोल रहा हूँ यार, खरा नहीं उतरा। शाहरुख खान का फैंस खुद नाराज होंगे। बाकी यार जो स्केल पे शूट किया है कोरियोग्राफर, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, क्यार के चीचा की बातों पे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है नेगेटिविटी फैलाना। क्योंकि वो जब तक नेगेटिविटी नहीं फैलाते ना यार, ना उनका दोपहर का खाना और रात का खाना उनका हजम नहीं होता यार, तो उनका नेगेटिविटी करना लाजिम है दोस्तों। तो बस भाई इतना ही, आपको सच बोलना, दिल से बोलना दोस्तों, आपको कैसी लगी सॉन्ग, आप हमारी बातों से कितना सहमत हो, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।